जनरली अपने को डर लगता है कि इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग से नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और उससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मोस्टली एमटीएस एनटीएस अपन देखे है, एमटीएस में होते ना कि वो फोल्ड करके फिर उसमें अपन डायग्राम निकालेंगे फिर ओपन करेंगे, 80% तो वही क्वेश्चन रहते हैं, बच्चे पूछे वो स्क्वायर की सीरीज या क्यूब की सीरीज, बस वही मतलब ज़्यादा प्रिपेयर करने की गरज नहीं है, तुम सिर्फ क्वेश्चन के टाइप देखो, क्वेश्चन के टाइप अब ऐसा तो है नहीं कि भाई उसके अंदर कोई कंसेप्ट लगते नहीं, भाई अब लॉजिक लगेंगे, अब जो मतलब वो टाइप तो फिक्स ही है, बस उसके लॉजिक बदलते रहेंगे। और इंग्लिश के लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर से वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, और एक ही बात कहूँगा जैसे उसके पेपर इजी रहते पर ट्रिकी रहते, जैसे कि अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा असर है उस टाइम पे, जैसे कि अपन लगता है हाँ भाई ये भी है ये भी है, फिर अपन अपना आंसर चेंज कर देते बाद में गलत निकलता, आंसर पे कॉन्फिडेंस रहा तो अच्छा रहेगा।